हाय एवरीवन, नमस्कार सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज है नवरात्रि का तीसरा दिन, मेरे फास्ट का भी। और तीसरे दिन होती है माँ चंद्रघंटा की पूजा। तो पहला शैलपुत्री, दूसरा ब्रह्मचारिणी और तीसरा चंद्रघंटा। तो आज चंद्रघंटा माता रानी की पूजा होती है। तो पूजा वगैरह मेरी सुबह ही ख़त्म हो गई थी। और उसके बाद से आपको जैसे ही पता है मेरे घर में और भी बाकी काम चल रहा है किचन में, तो उसका भी आज लास्ट डे था। तो फुल एंड फाइनल करके अब चले गए हैं। वो शाम का टाइम हो रहा है, चाय वाय हमने पी ली थी। तो बस वो फाइनल अभी करके गए हैं, एक बार फाइनल लुकआउट के लिए आए थे। तो ये काम मेरा कंप्लीट हो गया है। उसके बाद अब मैं यहाँ पे बस साफ़ सफाई और अपना किचन लगाने में लग जाऊँगी। उससे पहले मैंने यहाँ पे तैयारी कुछ अपना बना खाना बनाने के लिए कर ली है। ये मैंने आलू बॉईल कर लिए हैं। तो ये आलू मैं दो चीज़ों में यूज़ करूँगी। एक तो मैं बनाऊँगी अपने लिए, सिर्फ हींग जीरा और घी में मैं तड़का मारूँगी इसमें। और हस्बैंड के लिए मैं बनाऊँगी आलू की सब्जी, आलू टमाटर की। उसमें मैं प्याज और लहसुन ऐड नहीं करूँगी, क्योंकि मेरे व्रत चल रहे हैं तो मैं ये सब चीज़ें उसमें ऐड नहीं करूँगी। और बाकी मैं सिर्फ टमाटर में बनाने वाली हूँ उसको। तो वो मैं देखिएगा, वो तो मैं आपसे डेफिनेटली शेयर करूँगी। तो ये दो तीन चीज़ें होंगी। एक तो आलू की सब्जी होगी। अब लेट्स सी, हस्बैंड कह रहे थे कि आलू के पराठे बना देना, नहीं तो आलू की सब्जी बना देना, जो दोनों में से तुम्हें कन्वीनियंट लगे तो उनसे बना। सो यस, अच्छा, इसी बीच में जब वो चले गए थे पूरा फुल एंड फाइनल करके, उसी बीच में मैंने ये अपना स्टैंड जो है मेरा ये दीवार पर, ये मैंने पूरा साफ़ कर लिया था। काफ़ी गंदा हो गया था ये डस्ट से, तो ये मैंने पूरा अच्छे से साफ़ कर लिया था। ऊपर तक मैंने इसको साफ़ किया है। अब मैं इसमें बर्तन अरेंज कर दूँगी अपने, जो भी वहाँ डाइनिंग टेबल के ऊपर लगे हुए हैं। ये जो डाइनिंग टेबल के ऊपर सारा सामान है ना, वो सब यहाँ पे आएगा, वो सब मैं इधर लगा दूँगी। बाकी मैं आपको अभी जो भी वो काम करके गए हैं फाइनल वाला, वो मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये सारा काम अभी हुआ है। और मैंने ये वाला कलर जो है चूज़ किया था। एक्चुअली पिंक कलर मेरी मम्मी के घर में लगा हुआ है, और मैंने सिर्फ उसके साथ वाइट को अरेंज करके लगाया है, वाइट चूज़ करके। तो पिंक वाइट, पिंक वाइट, पिंक वाइट, ऐसा कुछ ये हो रहा है। और ये अब पूरा फुल हो चुका है फाइनली, आप देख लीजिए। ये पहला वाला रैक है, सबसे पहला वाला, जो मैंने कहा था कि मैं स्टोरेज पर्पज़ के लिए यूज़ करूँगी। और इसमें जो ये आप देख रहे हैं दोनों वॉल में सामने की तरफ हुक टाइप का उन्होंने बना दिया लकड़ी से, इसके ऊपर एक और स्लैब आएगी। और उस स्लैब पे ये वाला जो पिंक कलर का माइका है ना, ये मैंने अभी लगाने के लिए दिया उनको। वो इस तरीके का था, तो मैंने उनको कहा था कि ये लगा देना, तो वो जब लग करके आ जाएगा तो इसमें आकर के फिक्स हो जाएगा। सो ये एक है, और ये वाला जो है ये कुछ इस तरीके का है, ऐसे ये इस तरीके से खुल जाता है पूरा। ये कुछ ट्राइंगल शेप में खुलता है। एक्चुअली ये जो मेरा स्लैब था, ये ही कुछ ऐसे ट्राइंगल शेप में है, तो ये इस तरीके से ऐसे जाता है यहाँ ऐसे, ठीक है। अब मैं बर्तन लगा लेती हूँ पहले, उसके बाद मेरे को खाना भी बनाना है। और ये देखिए, यहाँ पे बचे कुछ बर्तन, ये सब मैंने धो करके लगा रखे हैं। ये स्टैंड के ऊपर से मैंने निकाले थे, स्टैंड को जब मैंने साफ़ किया था तो उस पर थोड़े बर्तन थे, सबसे ऊपर वाली स्टैंड पे यहाँ पे रहते हैं, तो ये मैंने किया है। और इवन मेरे को ये आर ओ वाला जो ऊपर का स्लैब है, ये भी मुझे भी साफ़ करना है। तो फिलहाल अभी इतना काम हुआ है। सो देखते हैं, मैं आके फिर आपसे शेयर करती हूँ जो भी होगा।
तो चलिए व्रत का खाना बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने एक छोटी कढ़ाई ली है, स्टील की है। उसके बाद मैं इसमें 2 चम्मच के अराउंड घी डालूंगी। ये होममेड घी है, देसी घी, मैं घर में ही बनाती हूँ। और व्रत का खाना कोशिश करें कि घी में ही बने, सरसों का तेल या किसी और तरीके का रिफाइंड ऑयल कम यूज़ करें। घी में शुद्ध भी माना जाता है और भगवान को भोग लगता है तो वो भी अच्छा ही होता है। तो घी गर्म होने तक मैं वेट करूँगी। जैसे ही घी गर्म हो जाएगा मैं इसमें 2 हैंडफुल मखाने डालूँगी। मखानों को अच्छे से भून लूँगी और ये तेल कढ़ाई में थोड़ा ज़्यादा दिख रहा होगा, लेकिन जैसे ही मैं इसमें मखाने डालूँगी मखाने सारा का सारा घी एब्जॉर्ब कर लेंगे और उसके बाद कढ़ाई बिल्कुल सूखी रह जाएगी। अच्छे से मैं कुरकुरा होने तक मखानों को भून लूँगी। ये एक स्वीट डिश तैयार हो रही है, यानी मखाने की खीर मैं बना रही हूँ। मैं मीठा बहुत कम खाती हूँ, इसलिए मैं व्रत में भी मीठा कम ही प्रेफर करती हूँ। व्रत में तो मुझे नमकीन ज़्यादा पसंद आता है। जैसे ही मेरे मखाने भुन जाते हैं मैं इसमें दूध डालूँगी, और ये दूध बिल्कुल ठंडा भी नहीं है, रूम टेम्परेचर का भी नहीं है, ये बिल्कुल बॉयल किया हुआ दूध है। मैंने एक तरफ बॉयल करने रख दिया था, तो बॉयल मिल्क ही यूज़ करें अगर आप बनाएं तो, ठंडा दूध ना यूज़ ना करें। उसके बाद मैं इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी और उसको बॉयल आने के लिए छोड़ दूँगी। ये खीर बहुत टेस्टी लगती है वैसे अगर व्रत में खाई जाए तो। उधर मैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी तैयार कर लूँगी। यहाँ पे मैंने एक और वोक ली है और उसमें मैंने अगेन 2 चम्मच घी डाला है। घी गर्म होते ही मैं इसमें डालूँगी राई और उसके बाद मैं डालूँगी थोड़ी सी हींग। ये मैं जीरा आलू बना रही हूँ। स्वीट डिश के साथ थोड़ा नमकीन भी चाहिए ही होता है। और साथ ही मैंने ये हरी मिर्च और हरा धनिया भी काट के रख लिया था। सबसे पहले मैं हरी मिर्च को क्रैकल होने तक चला लूँगी कढ़ाई में। उसके बाद ये मैंने आलू बॉईल किए थे अभी, उनको भी मैंने पीसेस में कट कर लिया था। अच्छे से मिक्स कर दूँगी। उधर मैं अपनी खीर को भी चलाते जा रही हूँ। थोड़ा सा मैं सेंधा नमक ऐड करूँगी इसमें, बाकी और कुछ भी मुझे ऐड नहीं करना है, टर्मरिक पाउडर भी नहीं और रेड चिली पाउडर भी नहीं। बस हल्का सा सॉटे हो जाने के बाद मैं इसमें हरा धनिया मिक्स कर लूँगी, क्योंकि आलू पहले से ही बॉयल हैं, उनको और कुक करने की ज़रूरत नहीं है। बस घी में अच्छे से कोट हो जाए वो, और 1 ही मिनट के लिए इसको ढक करके पका लेना है। उधर मेरी मखाने की खीर में भी बॉयल आ गया है। अब मखाने जैसे ही थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे मैं इनको अच्छे से मैश कर लूँगी। चमचे से ही मैं मैश कर रही हूँ और भी कुछ यूज़ नहीं कर रही हूँ, ऐसे ही ये मैश हो जाते हैं अच्छे से। धीरे धीरे ये गाढ़ी होने लग जाएगी। उसके बाद मैंने इसमें शुगर ऐड कर दी है टेस्ट के हिसाब से। हल्का सा मैंने इलायची पाउडर इसके अंदर डाला है थोड़ी फ्लेवर के लिए, खुशबू के लिए। और उधर मेरे जो जीरा आलू है वो भी बन करके बिल्कुल तैयार है। अब प्लेट में ट्रांसफ़र कर लूँगी, एक साफ प्लेट में मैंने इसको ट्रांसफ़र कर लिया है और मैं इसको अलग रख दूँगी। उधर खीर में भी अच्छे से बॉईल आने लग गया है। उसके बाद मैं ये डालूँगी मिठाई मेट, ये अमूल का है। इट्स अ काइंड ऑफ कंडेंस्ड मिल्क, अगर आपके पास ना हो तो इसको ना डालें, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। मेरे पास था तो मैंने डाल दिया था। इसका फ्लेवर भी अच्छा होता है और खीर में अगर आप इसको डालें तो खीर थोड़ा थोड़ा गाढ़ी होने लग जाती है, तो गाढ़ी गाढ़ी खीर बहुत अच्छी लगती है। मेरे पास होता है जब भी अवेलेबल तो मैं डाल देती हूँ। अच्छे से चला चला कर इसको पका लेंगे। और ये देखिए थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स के साथ मैंने इसको गार्निश कर दिया था, बादाम है इसमें और थोड़े कैश्यू हैं। मखाने तो ऑलरेडी है ही हैं। उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पे पूजा करने के लिए। सबसे पहले माता रानी को भोग लगाऊंगी मैं, जो भी मैंने बनाया है उसका भोग लगाने के बाद मैं फिर खुद खाऊंगी। सो दैट्स इट, यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड कॉमेंट, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।
मैं मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।